करनाल में आंगनवाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर उखड़ी हुई नजर आ रही है। आलम यह है कि आंगनवाड़ी वर्करों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वह बड़ा आंदोलन करेगी। आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन द्वारा करनाल के करंट पार्क में इकट्ठे होकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसके उपरांत सभी आंगनवाड़ी वर्कर नारेबाजी करते हुए जिला महिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय पहुंची और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी नेताओं ने बताया कि सरकार द्वारा ऑनलाइन कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर को टॉर्चर किया जा रहा है। ना तो उनको एंड्रॉइड फोन दिए जा रहे हैं, ना ही कोई अन्य सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी में कार्यरत ज्यादातर महिलाएं विधवा है और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। इसके बावजूद भी वह सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है और सरकार की योजनाओं को सिरे चढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रही है, परंतु सरकार ना तो उनको एंड्रॉइड फोन दे रही है और ना ही ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे ज्यादातर महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार द्वारा लागू की गई इस नीति को वापस लेने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर की कुछ मांगे जो मुख्यमंत्री द्वारा मान ली गई हैं परंतु अभी तक लागू नहीं की गई, उनको भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस अवसर पर आंगनवाड़ी महिलाओं द्वारा नारेबाजी की गई एवं शहर में मार्च निकाला गया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगामी दिनों में विशाल आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस आंदोलन से अगर कोई सरकारी कार्य में बाधा आती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की महिलाओं की मांग को जायज बताया है। सरकार ने हमारे ऊपर जो 3 से 6 साल के बच्चों का ग्रुप बनाने का थोपिया है, अभी नया नया काम, हमारी 70% बहने इसमें विधवाएं हैं, जिनको रोजी रोटी अपने बच्चों की चलानी बड़ी मुश्किल हो रही है, वो एंड्रॉइड फोन कहाँ से लाएंगे। चलो किसी बहन के पास है भी तो सरकार ने एक नया ड्रामा शुरू कर रखा ऑनलाइन पढ़ाने का, तो बच्चों जिनके पास फोन है उनके बच्चे उन फोनों से पढ़ रहे हैं। इस वजह से हमारी बहनों के पास फिलहाल कोई फोन नहीं है और इसमें हम जो 3 से 6 साल के बच्चों की और माताओं का ग्रुप बनाने के कह रहे हैं इसमें हम बिल्कुल असमर्थ है। ये हम नहीं कर सकते क्योंकि बेनिफिशियरी है जो लाभार्थी है, जो 3 से 6 साल की हमारी माताएं हैं, उनके पास भी सबके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। दूसरा, अगर सरकार हमारे से काम करवाना चाहती है, हम भी काम करना चाहते हैं और हम बिल्कुल भी काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार से अपील है, अनुरोध है कि सरकार हमें एंड्रॉइड फोन दे, अपने ही मुताबिक वो सिम दे, सिम के बाद नेट का रिचार्ज दे, नेट के रिचार्ज के बाद हमें ट्रेनिंग दे, उसके बाद हमें काम करवाए। हमें काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार ऐसे ही हमारे ऊपर काम थोपती रही है। आज ये एक दिन का प्रदर्शन है, अगर सरकार ने कोई ठीक सा निर्णय हमारे लिए नहीं लिया तो स्टेट से जो भी फैसला आएगा ये उग्र रूप धारण भी कर सकता है, लेकिन हम ऐसे बगैर सुविधा के काम हम नहीं कर सकते, इसमें हम असमर्थ है। बाकी हमारी लंबित मांगे हैं जो कट्टर साहब ने विधानसभा में बोली थी और मांगनी थी, आज तक वो हमारी कोई भी मांग खट्टर सरकार ने लागू नहीं की है। तो हम ये इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं, सरकार हमारी जो लंबित मांगे हैं उनको मानने और जो उन्होंने खुद घोषणा कर रखी है उनके हमें लेटर जारी करें। क्या नाम आपका? बिजनेस राणा, जिला सेक्रेटरी करनाल। अब क्या प्रोग्राम, आगे कहाँ जाएंगे आप? अब हम पीओ मैडम के पास जाएंगे जो हमारी जिला अधिकारी है, और उनसे हम डायरेक्टर मैडम से मिलने के लिए टाइम मांगेंगे बातचीत के लिए, और जिला की जो लोकल मांगे हैं हमारी उसके लिए भी हम बैठ के बातचीत करेंगे उनके साथ मीटिंग में। आज का ये जो विरोध प्रदर्शन है पूरे हरियाणा के अंदर है, और हमारी ये जो सबसे पहले तो 2018 की जो लंबित मांगे हैं हमारी सरकार से, हम चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करे, उन मांगों को हमारी लागू करे। और दूसरा, जो ऑनलाइन का आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर सरकार थोप रही है भाई हर काम ऑनलाइन करो, 3 से 6 साल के बच्चों को क्लासे लगाओ, इनकी ये लगाओ वो लगाओ, तो सरकार हमें इस चीज के लिए सुविधा दे। ना ही हमारे पास फोन है, ना ही सभी वर्करों के पास है, और ना ही सभी बेनिफिशरी के पास फोन है जो हम ग्रुप बनाए। और दूसरी बात ये कि इसमें नेट भी लगता है हमारा, सरकार या तो हमें नेट की सुविधा दे, फोन भी दे,
तो हम ही इस काम को करेंगे, अन्यथा हम इस काम को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके विरोध में आज ये हमारा प्रदर्शन है। कहाँ कहाँ से आए हैं? आज पूरे करनाल से जितने भी ब्लॉक हैं, करनाल में पूरे हरियाणा के अंदर आज ये प्रोग्राम है, जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज, और यहाँ करनाल में जितने 6-7 ब्लॉक जितने हैं सब यहाँ आए हुए हैं। ज्ञापन दिया गया है, आइए डीसी जिला मजिस्ट्रेट को हमने ज्ञापन दे दिया है, और अब पीओ मैडम को हम ज्ञापन देंगे महिला आश्रम में जाके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.